अक्सर ये कहते सुना होगा कि हमने क्षेत्र में वहां ये विकास काम भी करवा दिया, उस गांव में सड़क बनवाई, गरीब लोगों की भी खूब मदद की है। जब आप मंत्रियों और संसदीय सचिवों को मिलने वाले विवेकानुदान कोष की हकीकत देखेंगे तो पाएंगे कि जनता की मदद की बात कहने वाले मंत्री इस साल इस बजट में से एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाए। देखिए रिपोर्ट। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि विवेकानुदान या विवेकाधीन फंड होता क्या है। ये फंड सरकार 1959 से देती आ रही है, जिसमें सीएम, कैबिनेट मंत्री, संसदीय सचिव अपने क्षेत्र या अन्यत्र कहीं जाए और कोई जरूरतमंद मिले तो उसमें से वो उसे फंड जारी कर सकते हैं। माना जाता है कि कैबिनेट मंत्री, संसदीय सचिव जनता के बीच में ही रहते हैं, जगह जगह जनसुनवाई सहित क्षेत्र के दौरे के समय उन्हें जरूरतमंद मिल जाते हैं। ऐसे में मंत्री उनसे मुंह मोड़ कर नहीं जा सकते। लेकिन इस फंड की हमने पड़ताल की तो सामने से निकल कर आया कि जिनके लिए ये फंड बना उन्होंने खुद ही इसकी तरफ मुड़ कर नहीं देखा। आंकड़ों की बात करें तो सीएम को 50 लाख सालाना, कैबिनेट मंत्री को 2 लाख रुपए सालाना, संसदीय सचिव को 1 लाख रुपए सालाना मिलता है, जिससे प्रति व्यक्ति अधिकतम 1000 रुपए तक की मदद की जा सकती है। मौजूदा सत्र की बात करें तो 6 मंत्रियों ने इसमें रुचि दिखाई, लेकिन आचार संहिता के चलते इनकी भेजी लिस्ट अटक गई है। अब चुनाव होने के बाद यह फंड जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। सत्र 2018-19 के लिए जिन नेताओं ने रुचि दिखाई उनमें गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने 1,37,000 रुपए खर्च किए, मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने 1,30,000, मंत्री किरण माहेश्वरी ने 1 लाख, मंत्री राजेंद्र राठौर ने 1,33,000, मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने 67,000 और मंत्री अनीता भदेल ने 66,000 रुपए खर्च किए। हालांकि लाभार्थियों के नाम भेजने में मंत्रियों की लेट लतीफी के चलते इनको जारी होने वाला फंड भी आचार संहिता के चलते अटक गया है। अब इन्हें ये बाद में जारी हो सकेगा। अगर पिछले सत्र यानी 2017-18 की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया ने 2 लाख रुपए, राजेंद्र सिंह राठौर ने 2 लाख रुपए, कालीचरण सराफ ने 1,99,000, किरण माहेश्वरी ने 2 लाख, अरुण चतुर्वेदी ने 2 लाख रुपए और अजय सिंह किलक ने इस फंड का 82,000 रुपए इस्तेमाल कर लिया। फंड खर्च करने में दरियादिली दिखाने वाले कई संसदीय सचिव भी हैं। संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने 1 लाख, भीमा भाई ने 1 लाख, जितेंद्र गोठवाल ने 94,000 रुपए खर्च करके जनता की भलाई वाले काम किए। लेकिन कई मंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने फंड इस्तेमाल ही नहीं किए, जिसका कारण इनका फंड लैप्स हो जाएगा। पिछले साल भी अधिकतर मंत्रियों ने अपने विवेकाधीन कोष को काम में नहीं लिया था, जिसके चलते ये बजट लैप्स हो गया। बजट इस्तेमाल नहीं करने वाले कैबिनेट मंत्रियों में नंदलाल मीणा, प्रभुलाल सैनी, गजेंद्र सिंह खींवसर, यूनुस खान, सुरेंद्र गोयल, राजपाल सिंह शेखावत, डॉक्टर राम प्रताप, हेम सिंह भडाना, बाबूलाल वर्मा, श्रीचंद कृपलानी और जसवंत सिंह यादव का नाम आता है। मंत्रियों की तरह कई संसदीय सचिव भी हैं जिन्होंने जनता की भलाई से कोई सरोकार नहीं दिखाया। ऐसे संसदीय सचिवों में सुरेश सिंह रावत, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, लादूराम विश्नोई, नरेंद्र नागर, ओम प्रकाश हुडला और कैलाश वर्मा का नाम आता है। विवेकानुदान कोष का उपयोग नहीं करने पर पिछले साल कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सदन में सवाल उठाया था और कहा था कि जनता परेशान है, लेकिन मंत्रियों को इनकी पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है। इनका विवेक खत्म हो गया है और इन्हें मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पिछली बार अपना विवेकानुदान कोष काम में लेने वाले चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने तब मुस्कुराते जवाब दिया था और कहा था कि हमने अपना फंड काम में ले लिया है, लेकिन इस बार वो भी अपना विवेकानुदान काम में लेने से चूक गए। वहीं कई मंत्री और संसदीय सचिव इस कोष से अनभिज्ञ हैं। मंत्री और संसदीय सचिव क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें जरूरतमंद जरूर मिलते हैं, वो अपने कामों को लेकर फरियाद करते हैं, लेकिन मंत्री अक्सर ये कहते दिखाई देते हैं कि उनका बजट नहीं है। लेकिन हम बात करें विवेकानुदान कोष की, जिससे अगर मंत्री संसदीय सचिव काम में लेते तो हजारों जरूरतमंदों की मदद हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इसमें से एक पैसा भी काम में नहीं लिया, जिसके चलते अब ये बजट
लैप्स हो जाएगा। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ भरत राज, जी मीडिया, जयपुर।